दोस्तों अदर स्टेट्स के स्टूडेंट बिहार शिक्षक भर्ती के फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ। आपको बीपीएससी सर्च करना है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जब आप दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना है, ठीक ना, अप्लाई ऑनलाइन पर। देन उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, तो आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए क्लिक टू अप्लाई यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों एक न्यू शेड्यूल जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि अब दोस्तों 27 जून से अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए प्रॉब्लम दोस्तों कहाँ पर आ रहा है, जब स्टूडेंट ये फिल कर रहे हैं कि आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट्स ऑफ बिहार। तो देखिए अदर स्टेट के स्टूडेंट तो बिहार के परमानेंट निवासी नहीं है, तो उन्हें नो करना है। तो जब वो नो कर रहे हैं ना, तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए फिर से मैं यहाँ पर शो करता हूँ। देखिए जब आप नो पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब इससे आगे जो है आप और भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर सकते, मतलब आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो सबको अलाउ कर दिया गया है कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, बीपीएससी के द्वारा इस फॉर्म में सुधार किया जाएगा, देन उसके बाद जो है आप भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, अभी ये पहले वाला ही है जब लॉ नहीं किया गया था सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जैसे ही सुधार होता है तुरंत हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे।